नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 21 जून रविवार सुबह श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। श्री गंगानगर जिले में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई के तहत शनिवार रात तक कम से कम 200 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। जिला अस्पताल में ही लगभग 120 लोगों की जांच के बाद कोरोना जांच के लिए सैंपल लेकर बीकानेर भिजवाए गए। वहीं जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है वहां पर शनिवार को भी कर्फ्यू जारी रहा। अस्पताल में 27 मरीज भर्ती हैं, 10 मरीज के रिकवर होने की जानकारी PMO की ओर से दी गई है। हनुमानगढ़ जिले में एक युवक पर तेज धार हथियार से हमला कर उसको घायल कर दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात की जांच CO SC ST को सौंपी गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमला पत्नी राम कुमार की ओर से श्याम सुंदर कुम्हार व उसके साथी विशाल के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उसके पुत्र अजय को आरोपी बहला फुसला कर ले गए और जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे में मोटरसाइकिल मालिक के सामने ही अज्ञात युवक मोटरसाइकिल चोरी कर ले गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मनीष कुमार का आरोप है कि उसके सामने ही भगत सिंह चौक के पास एक युवक मोटरसाइकिल चोरी कर ले गया। उसने शोर मचाया, जब तक लोग एकत्र होते वह आंखों से ओझल हो गया। गरसाना इलाके में कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मी नारायण पुत्र रविंदर निवासी 3 STR की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि एक कार चालक ने उसके रिश्तेदार की बाइक में टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मामले को दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। महिला पुलिस थाना में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ यौन हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता का आरोप है कि केसरी सिंहपुर क्षेत्र में रहने वाले उसके पति ने उसका उत्पीड़न किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। श्री गंगानगर सदर थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव साते में शुक्रवार रात को एक विवाद में महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में सदर पुलिस थाना में करण सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि निंदा सिंह, जोबन सिंह आदि ने एक राय होकर उसकी भाभी पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पंचायत चल रही थी जब यह विवाद हुआ। इस हमले में जंगीर कौर नामक महिला की मौत हो गई। जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा तथा प्रभारी सचिव वैभव गलरिया सोमवार 22 जून को एक दिवसीय दौरे पर गंगानगर आएंगे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने बताया कि 22 जून को प्रातः 10:30 बजे जिला परिषद सभागार में COVID-19 के तहत जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया जाएगा तथा दोपहर 12:30 बजे VC के माध्यम से जिला स्तरीय एवं उपखंड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। पंजाब के बठिंडा में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बाइक चोरों के साथ साथ झपटमार भी सक्रिय हो गए हैं। दिन दिहाड़े झपटमार विशाल नगर Phase 3 में एक घर के बाहर खड़ी महिला के गले से सोने की चेन झपट कर फरार हो गए। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पुलिस फुटेज के आधार पर झपटमारों की तलाश में जुटी है। एक महिला अपने घर के गेट के बाहर मोबाइल पर बात कर रही थी, इसी दौरान काले रंग की पल्सर बाइक पर दो युवक वहीं से निकलते हैं और वापस उसी गली में वापस आते समय एक युवक पीछे उतरकर पैदल चलता है। इसी बीच पैदल युवक घर के गेट के बाहर फोन पर बात कर रही महिला के गले से पीछे से चेन झपटकर पहले ही बाइक स्टार्ट कर खड़े साथी के साथ फरार हो जाता है। पंजाब के लुधियाना में लॉकडाउन में आउटर एरिया में पेट्रोल पंप और शराब ठेकों पर लूट करने वाले 3 लुटेरों को CIA स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सलेम टाबरी निवासी 29 वर्षीय पवित्र सिंह उर्फ शेरा, 32 वर्षीय रूपलाल उर्फ सोनी और 33 वर्षीय महेंद्र सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल आरोपियों से पुलिस को एक खिलौना पिस्तौल और बाइक बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों ने बताया कि मई और जून 2 महीने में उन्होंने शहर से बाहर के गाँवों में आते पंप और शराब ठेकों के कारिंदों से लूट की थी। वो कभी तेल डलवाने और कभी शराब लेने के बहाने जाते और पिस्तौल दिखाकर पैसे छीन लेते थे। पंजाब की बरनाला पुलिस ने देह व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश करते हुए 3 महिलाओं सहित 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध केस दर्ज कर लिया। इस संबंधी जानकारी देते हुए CIA इंस्पेक्टर ने बताया कि उनको मुखबिर से सूचना दी कि पिंड चीनीवाल खुर्द में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जिस पर उन्होंने गाँव में रेड करके गिरोह के मुखिया सरगना चरणजीत कौर व उसके लड़के बलवीर सिंह सहित कुलविंदर कौर, हरदीप कौर, बलवीर सिंह, सादिक कुरैशी, गुरतेज सिंह, सतनाम सिंह,
गगनदीप सिंह, हरपाल सिंह व कमल कुमार थाना चल्लेवाल में केस दर्ज किया है। इनके कब्जे से मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा समेत 34,500 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। भारत चीन झड़प दौरान शहीद हुए चार जवानों की याद में पंजाब सरकार ने अहम ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग की तरफ से अपने एक आदेश के गांव द्वारा गांव के सरकारी माध्यमिक स्कूल बीरेवाला डोगरा का नाम शहीद गुरतेज सिंह सरकारी माध्यमिक स्कूल रख दिया गया है। इसके अलावा सरकारी प्राथमिक स्कूल सील जिला पटियाला का नाम शहीद नायब सूबेदार मनदीप सिंह सरकारी प्राथमिक स्कूल सील रखा गया है और सरकारी माध्यमिक स्कूल भोजराज गुरदासपुर का नाम शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह सरकारी माध्यमिक स्कूल भोजराज रखा गया है। इसी तरह सरकारी हाई स्कूल तोलवाला का नाम शहीद गुरबिंदर सिंह सरकारी हाई स्कूल तोलवाला रखा दिया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। We'll be right back.